प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देसरा ब्लॉक के रमईपुर गांव में 8 साल पहले पानी टंकी का निर्माण हुआ था। 8 साल बाद भी पानी की सप्लाई न होने से नन्हे सहित कुल 10 गांव के 30,000 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2005 में जब ये टंकी बनी, सुनीता प्रधान थी, तो पाइप तो लगभग हर जगह बिछी, लेकिन 4 फीट 5 फीट बिछ छोड़ छोड़ के पाइप बिछी हुई है। हर समस्या के पब्लिक को हमारे पानी की परेशानी दिक्कत है, इसलिए कि हम लोगों को पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। टंकी से कोई उपलब्ध शिक्षा हम लोगों को नहीं मिली, इसलिए हम लोग परेशान यहाँ पानी से। बिजली की बहुत आवश्यकता है, होनी चाहिए, और फिर भी वहाँ तक लाइट कोई सुविधा नहीं पहुँचा वहाँ। बस यही चाह रहे हैं कि टंकी से पानी उपलब्ध हो, और हमारे पब्लिक जनता जितनी है पानी से परेशान है, उसको पानी सुरक्षित मिले। अगर पानी की टंकी चालू हो जाएगी तो कितने लोगों को लाभ होगा इससे? अरे लगभग 10,000 पब्लिक परेशान है पानी से। आपने कभी प्रयास किया आप लोगों ने? जी प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई जय बताता है ठेकेदार गायब हो गया पैसा लेकर के, और इसमें जय भी खेल खेले, लगभग 1.5 करोड़ का ये इसका लागत है, जिसमें अब ये लोग अपना मिल बांट के खा लिए। न पाइप बिछी, न आम जनता पब्लिक तक का कहिए तो पाइप पहुंचाएगी, मतलब क्या निकला? 1.5 करोड़ सरकार दी तो सरकार लगाई, उसमें दलालों के बीच ये बंटवारा हो गया। इसकी उस सरकार को जांच करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ के DM के मोबाइल नंबर 0-53-42-220-401 पर फोन कर दबाव बनाए, ताकि इन सभी की समस्या दूर हो सके। मैं चंदा, जनपद प्रतापगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।